पाणिनि ने कहा कि विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट सम प्रश्न प्रार्थने सुलिंग, मूल रूप में छह अर्थों में लिंग होता है, विधि में, निमंत्रण में, आमंत्रण में, अधिष्ठ में, संप्रश्न में, प्रार्थन में। लोट च, इन्हीं छह अर्थों में लोट लकार भी होता है। विधि में पियो, ये विधान है, इसमें और कुछ मत खाना पीना, ये रस पीते रहो, भूख नहीं लगेगी, पीबत। और कहते निमंत्रण में, श्राद्ध के भोजन में किसी के यहां पूरी मत खाना, यही पियो। आमंत्रण में, विवाह आदि में भी यही पियो, चाट मत खाना। अधीष्ट, सम्मान से कोई बुलाए तो कह दो हमको यही भागवत नाम का मैंगो शेक चाहिए, पियो। संप्रश्न, पूछ कर भी पियो कि तुम्हारे पास ये है कि नहीं है। प्रार्थने सु, प्रार्थना करके भैया मुझे हमें हमें और कुछ मत पिलाओ, हमको तो भागवत रूप आम का रस पिलाओ। पीबत भागवतम रसमालयम आलयम। आलयम का एक और अच्छा अर्थ है, क्या? अश्च आच अश्च इति औ तौ लीयेते आलिंगतः यस्मिन। आ माने राधा जी, अ माने भगवान कृष्ण, ये दोनों जब तक, ये दोनों जब तक तुम्हारा आलिंगन न कर ले, तुम्हें गले से न लगा ले, तब तक पीते ही रहो इसको। पीने में संकोच मत करना, इसमें मुख धोने की आवश्यकता नहीं है, इसको पीने से मुंह जूठा नहीं होगा, दोनों कान से मिलेगा। कोई पात्र ले, उसको क्या कहते हैं यार, जिस गिलास को पी के फेंक देते हैं, डिस्पोजर, चाहे चांदी के गिलास पियो, चाहे सोने की, या डिस्पोजल का ही सब मत पीना। हम तुमको एक बहुत अच्छा दोना बता रहे हैं, दो दोने कान को, दोनों कानों को दोना बना लो, उसी से पियो। पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। और सुविधा बहुत है, बोले गलितम, तुम्हें सुरुकने की आवश्यकता नहीं होगी, खींचने की आवश्यकता नहीं होगी। गले गलितम, ये गलमितम, ये गले तक तुम्हारे जा चुका है, केवल घूंट लो, चकाचक आनंद आ जाए। क्या सुंदर रखे है। तो दे कौन रहा कि पिए, इसको परोस कौन रहा है? बोले दो लोग परोस रहे हैं। भागवतम, तुम्हारे दो कान हैं ना, तो परोसने वाले भी दो हैं। भगवती च भगवांश्चैत भगवंतौ, भगवती राधा जी और भगवान कृष्ण जी, इन दोनों को भगवती च भगवांश्चैत भगवंतौ एक शेष करें। पुमान स्त्रिया सूत्र है यहाँ का, पाणिनीय अष्टाध्याय के प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद का 67। जैसे हंसी च हंसश्चित हंसौ बनता है, उसे भगवती च भगवांश्चित भगवंतौ, ये दो लोग परोस रहे हैं।
पिला रहे हैं राधा जी और कृष्ण भगवान। तो पीबत भागवतम रसमालयम, तो कैसा है रसमालयम? एक खंड तो है रसम आलयम और दूसरा खंड है रसमालयम। समझते हो कौन है ये? संस्कृत में सरस्वती जी का नाम है रसमा, ठीक है? सरस्वती जी का नाम हमने क्या बताया? रसमा। रसम मात ये श्याम सा रसमा, जहां सारे रस इकट्ठे हो जाते हैं सरस्वती जी को कहते हैं रसमा। और रसमा का ये आलय है, ये सरस्वती जी का घर है। सारस्वतों को तो पीना है। पीबत भागवतम रसमालयम मुहुर हो रसिका भुवि भाव खा। बार बार पीते रहो, आनंद आएगा, कभी तृप्त नहीं होनी चाहिए। जैसे 2002 में सुना था, तो फिर सुनते जाओ, बार बार सुनो। अब मुझे कहते कहते अब तक 1155 कथा हम कह चुके, सोचो 1156 भी कर रहा हूं। और इस बार तो चातुर्मास में गजब हो गया, पूरे 2 महीने पर्यंत मैंने भागवत की ही कथा की चित्रकूट में, केवल भागवत 2 महीने में पूरी भागवत सुनाई। वो पुस्तक भी आपके पुस्तकाकार हमने व्यवस्था कर ली है, आप लोगों के सामने आएगी। सनातन धर्म का मुझे काम बहुत करना है, पर आप लोगों का मुझे सहयोग चाहिए। हमारे दीनदयाल झवर भी जब आयोजन लेना होता तो संपर्क में रहते, फिर भूल जाते मुझको, ये मुझे ये शिकायत है मेरी। अब तो वासुदेव को कह दिया है, वासुदेव अंजलि जब तक राघव नहीं आए तब तक बहुत संपर्क, राघव के आने पर ये भी भूल गए मुझको। तो ऐसा न करो भैया, सनातन धर्म का हमें बहुत काम करना है, इतना काम करके जाना है मुझे कि लोगों को एक कल्पना हो कि ऐसा व्यक्ति भी, एक व्यक्ति भी ऐसा इतना काम कर सकता है। तो अब सब लोग संपर्क में रहो, हम कुछ नहीं खिलाएंगे पिलाएंगे, बस पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। विधि के समय पियो, निमंत्रण के समय पियो, आमंत्रण के समय पियो, अधीष्ट के समय पियो। विधि में भी विधि ये कहती है दूसरा शेक ओक मत पीना, यही पियो। और निमंत्रण में भी कह रहे हैं कि मान लो प्राण का प्रयाण हो जाए तो निमंत्रण में कुछ मत पितरों को पिलाओ, यही पिलाओ। पानी मत पिलाओ, केवल उनको सिखाओ। पितरों को प्यास बहुत लगती, बहुत प्यास लगती। हमने देखा जब पितरों का किसी में आवेश आता तो बल्टी बल्टी पानी पी जाते हैं। तो पितरों का दुर्भाग्य होता कि उनको गर्म पानी मिलता है, जो हम आप देते हैं वो गर्म होकर उनको मिलता, इसे उनको उष्मपा कहते हैं। पर ये रस उष्म नहीं है, शीतल सुंदर चकाचक आनंद है। बहुत सुंदर कह रहे हैं। अब शकिलिंग च
सात अर्थ यहां हैं, विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थना और शक्यता। इसी सात इसी सप्ताह कहा गया है। तो चलिए अब भागवत के महात्म्य की थोड़ी चर्चा करें। देखिए इतना ध्यान रखना चाहिए कि भागवत जी